क्या है काला हिरण के शिकार का मामला जिसमें सलमान समेत कई सितारे फंस गए थे। सुपरस्टार सलमान खान को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के बाद गोल्डी बरार ने भी धमकी दे डाली। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने सलमान के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी है। सलमान खान को मिलने वाली धमकियों का ये सिलसिला नया नहीं है। इससे पहले भी उन्हें लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से धमकियां मिलती रही हैं। यहां तक कि उनके घर की रेकी तक की जा चुकी है। असल में इन धमकियों की वजह है काला हिरण शिकार मामला। आइए जान लेते हैं इस मामले की पूरी कहानी। बात साल 1998 की है। सितंबर अक्टूबर के महीने में जोधपुर में फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग चल रही थी। आरोप है कि इसी दौरान सलमान खान अपने साथी कलाकारों के साथ भवाद गाँव की तरफ शिकार करने के लिए गए थे, जहाँ 27-28 सितंबर 1998 की रात घोड़ा फार्म हाउस में काले हिरण का शिकार किया गया था, जिसका इल्जाम सलमान खान पर लगा। इस केस से जुड़े चश्मदीदों के मुताबिक वो 1 अक्टूबर 1998 की रात जोधपुर के कांकड़ी गांव में रात के करीब 2 बजे खेत के आसपास अंधेरे में हेडलाइट की रोशनी चमकी। सफेद रंग की जिप्सी एक ही इलाके में लगातार घूम रही थी। गांव के लोगों को समझते हुए देर नहीं लगी कि यहां शिकारी आतंकी हैं। काले हिरण के शिकार की कोशिश में इसी दौरान गोली चली। गोली की आवाज सुनते ही गाँव वालों का शक यकीन में बदल गया। आधी रात को गोली चलने की आवाज सुनकर सभी गाँव वाले जाग गए और लाठी डंडों के साथ उस तरफ दौड़ पड़े जिधर से गोली चलने की आवाज आई थी। जब गाँव वाले मौके पर पहुंचे तो देखा कि 2 काले हिरणों का शिकार किया गया है। गांव वालों ने एक जिप्सी को वहां से भागते हुए देखा। ग्रामीणों ने उस जिप्सी का पीछा किया जिसमें कुछ नौजवान लड़के लड़कियां सवार थे, लेकिन वे लोग जिप्सी लेकर वहां से भाग खड़े हुए। वन अधिकारी की शिकायत पर इस मामले में केस दर्ज किया गया। बाद में एक चश्मदीद ने पुलिस को बताया था कि शिकार करने जिप्सी में नौजवानों के बीच मौजूद सलमान खान को लोगों ने फौरन पहचान लिया था। केस दर्ज था, लिहाजा कार्रवाई भी शुरू हो चुकी थी। इस संबंध में वन अधिकारी ललित बोड़ा ने जोधपुर के लूनी पुलिस थाने में 15 अक्टूबर 1998 को सलमान खान के खिलाफ FIR दर्ज करवाई थी। कुल मिलाकर इस मामले में 4 अलग-अलग केस दर्ज हुए थे। मामला अब अदालत में पहुंच चुका था, जिसमें फिल्म अभिनेता सलमान खान, सैफ अली खान, अभिनेत्री नीलम, सोनाली और तब्बू को आरोपी बनाया गया था। लेकिन जब अदालत में मामले की सुनवाई शुरू हुई तो चश्मदीद छोगाराम अपने बयान से पलट गया। यहां तक कि बाद में उसने मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाकर कोर्ट में अर्जी लगाई कि उसे कुछ याद नहीं रहता, लिहाजा उसे काला हिरण शिकार मामले की गवाही से अलग रखा जाए। इसके बाद यह मामला जोधपुर की CJM कोर्ट में चलता रहा। 12 अक्टूबर 1998 को इस मामले में पहली बार सलमान खान की गिरफ्तारी हुई थी। 5 दिन जेल में रहने के बाद 17 अक्टूबर 1998 को सलमान जमानत पर जोधपुर जेल से रिहा हो गए थे।